अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, आज हम ये वाली लुक क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके बारे में मुझे काफ़ी अरसे से सब लोग कह रहे थे कि हमें स्मोकी ग्रे आई मेकअप करके दिखाएं। तो मैं कब से वेट कर रही थी कि मेरे पास कोई ऐसी क्लाइंट आए जिनका मैं मेकअप करूं और फिर उनकी वीडियो बना के अपलोड करें। तो आज शुक्र है मेरे पास एक क्लाइंट आई और इन्होंने सिल्वर और ग्रे ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उस पर फिर हम लोगों ने प्लान किया कि ये वाला मेकअप कर लेते हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और वीडियोज़ को वॉच करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अच्छा, देखें इनके डार्क सर्कल्स भी हैं, पहले हम लोगों ने उनको कंसील करना है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आजकल क्योंकि सर्दियां हैं तो हम लोग पहले मॉइस्चराइज कर लेते हैं स्किन को, ठीक है, उसके बाद प्राइमर वगैरह लगा लेते हैं, कोई भी प्राइमर आप लगा लें, ठीक है। कंसीलिंग के लिए मैं स्टिक नहीं यूज़ कर रही हूँ, मुसर्रत मिसबाह की फाउंडेशन है, आलमंड शेड है जिससे मैंने इनकी कंसीलिंग की है, क्योंकि डार्क सर्कल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा डार्क नहीं है। तो वो देखें, हम लोगों ने कंसील की है, उसके बाद दोबारा से मैं इनके ऊपर मुसर्रत मिसबाह की ही फाउंडेशन जो है उसका दूसरा जो थोड़ा सा लाइटर शेड है वो लगाऊंगी। और हम लोगों ने इनको बहुत लाइट में नहीं लेके जाना, बहुत वाइट में नहीं लेके जाना, थोड़ा सा नेचुरल में भी रहना है और इतना नेचुरल में भी नहीं रहना कि वो बाद में डल लगना शुरू हो जाए। क्योंकि जब कोई सलोन में आके मेकअप करवाता है तो ऑब्वियसली उसकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम सलोन से जाएंगे तो यार फ्रेश लुक लगेगी। तो आप जब कभी बहुत ज़्यादा नेचुरल में जाते हैं ना तो वो थोड़ी ही देर बाद वो मेकअप थोड़ा ब्राउन या ब्लैक की साइड पर चला जाता है। तो फिर क्लाइंट को फंक्शन में जाके या हॉल में जाके ये प्रॉब्लम होती है कि बाकी लोग तो बड़े वाइट वाइट लग रहे थे और भाई मेरा तो डार्क हो गया था, ठीक है। तो आपने मेकअप करते वक्त थोड़ा सा उसको लाइट की तरफ ज़रूर लेके जाना होता है, और वो हम लोगों ने किया है। और उसके बाद इन ये जो मेरी मॉडल है इनका मैं पहले भी मेकअप कर चुकी हूँ, मेरे मेकअप की काफ़ी ज़्यादा ये फ़ैन है। और अभी इन्होंने प्लान किए हैं कि इन्होंने कोई 7-8 मेकअप मेरे से करवाने हैं, पहली दफ़ा भी इन्होंने किया था आप देखें, बल्कि मैंने यूट्यूब पर इनकी वीडियो डाली हुई है, ब्राइडल मेकअप किया था इनका मैंने, वो भी इनको बहुत शौक था, इन्होंने करवाया। और आज ये किसी फंक्शन पे जा रही थी तो इन्होंने साड़ी वगैरह पहनी हुई थी तो भी इन्होंने मेकअप करवाया। और अभी इनका आगे प्लान है, 2-4 इन्होंने जोड़े तैयार रखे हुए हैं कि जी इन पे भी मैंने आपसे मेकअप करवाना है। तो भाई अच्छी बात है अगर ये मेरे मेकअप की इतनी फ़ैन है और मुझे भी अच्छा लगता है, और मुझे कुछ फेसेस में ना काम करके बड़ा मज़ा आता है, तो इनका मेकअप करके भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यंग सी आपको पता है एक आपकी मॉडल हो और फिर साफ़ सुथरी सी स्किन हो तो काम करके वाकई बहुत मज़ा आता है। और इवन के आफ्टर की जो इनकी लुक है मेकअप के बाद की, बड़ी मज़े की आई है, तो वो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो ओरिजिनल हम लोग देख रहे होते हैं ना किसी का काम करके सलोन में, जब हम मेकअप करते हैं तो उस टाइम पे जो वो लुक आ रही होती है और कैमरा में जो बात आती है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो असल में ज़्यादा मज़े की एक वो लुक नज़र आ रही होती है। और साथ साथ मुझे लोग जो आजकल प्रॉब्लम सलोन में मैं देख रही हूँ आ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं, उसके अलावा कमेंट्स आ रहे हैं, फ़ोन पे मुझे कॉल्स जो आ रही हैं वो लोग पूछ रहे होते हैं कि हेयर के और स्किन के हवाले से भी कोई टिप हमें ये बताएं कि आजकल बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। जी बाल इसलिए गिर रहे हैं, आपको पता है कि हर बंदे की ज़िंदगी में एक तो इस टाइम पर स्ट्रेस बहुत है, और स्ट्रेस इवन इस चीज़ का भी है, कंपटीशन बहुत आ गया, ग्लैमर बहुत ज़्यादा आ गया, फलां अच्छी लग रही है मैंने उससे ज़्यादा अच्छा लगना है। इवन आपके घर में एक शादी आ जाती है, आपके घर में शादी नहीं, आपने किसी फ्रेंड की शादी पे जाना है तो आप तब भी स्ट्रेस्ड होते हैं कि जी मैंने कौन से सलोन से तैयार होना है, मैंने फलां से अच्छा लगना है, मेरा जुड़ा ऐसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं। और स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो सबसे पहले तो हमारी स्किन के ऊपर होता है, हमारे बालों के ऊपर होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप स्ट्रेस के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारें तो मुझे पता है इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद स्ट्रेस ले रही होती हूँ। मेरे पे तो खैर ये काम का स्ट्रेस होता है ना, कि रात को सोते वक्त मुझे ये स्ट्रेस होता है कि अच्छा सुबह इतने मेकअप्स करने हैं, सुबह इतनी ब्राइड्स हैं, जल्दी उठना है, नाश्ता करना है। और कभी कभी ये होता है कि नाश्ता भी नहीं किया जाता और क्लाइंट्स आ जाते हैं, आपको पता है फिर उन्हें टाइम पर फ्री भी हम लोगों ने करना होता है, बड़ी टफ रूटीन होती है, रिलैक्स सोने का तो कोई टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए और दूसरा ये कि हमारा लाइफस्टाइल भी तो आपको पता है आजकल कैसा चल रहा है, आधी आधी रात तक हम आधी रात भी नहीं, आधी से ज़्यादा रात हम लोग जाग रहे होते हैं, तो उससे फिर ये होता है डार्क सर्कल्स, हेयर फॉल और स्किन के प्रॉब्लम्स, ये सारा कुछ हो रहा है। और तो इसलिए अब आप ये ना देखें कि आपने नेचुरली जो है आपने वेट करना है कि कोई जादू होगा और बाल अच्छे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप अपने हेयर के लिए सप्लीमेंट्स लें, इसी तरह स्किन का जो है आजकल लोगों की डिहाइड्रेटेड हुई है क्योंकि सर्दी की वजह से लोग पानी नहीं पी रहे हैं,
तो पानी बहुत ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी सबसे पहली एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आप पानी उतना पीते हैं जितना आपकी स्किन को ज़रूरत है, दिन में चले 10 से 12 गिलास तो पिए ना, ठीक है। अगर आप ये पी लेते हैं, आप खुद देखेंगे आपकी हाइड्रेटेड स्किन होती है वो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रही होती है, उस पर आपको किसी बेस की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। इवन लाइट से आप ब्लश ऑन लगा लें, कोई बीबी क्रीम लगा लें, तो आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी लुक आ जाती है। तो इसलिए पानी ज़रूर पिए। और उसके अलावा और भी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, मेरे सामने नहीं है, मैं भूल गई हूँ। उसके अलावा हाँ, बालों का ये आया है कि बहुत ज़्यादा लोग ये जो स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, स्ट्रेटनर बालों पे यूज़ कर रहे हैं, कर्ल्स कर रहे हैं, उससे भी उनके बाल डैमेज होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें बालों में स्टाइलिंग कम करें, स्प्रेज वगैरह कम यूज़ करें, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और एक और मज़े की बात बताऊं, जो अक्सर आप लोगों के जहन में नहीं आ रही होती, जो शैम्पूज हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप शैम्पू यूज़ कर लें, उसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो बालों को कर रहे होते हैं, बालों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, चाहे आप कितने ही महंगे शैम्पूज़ या प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर लें। तो कोशिश करें कि मतलब शैम्पू जब अपने लिए चूज़ करें तो भी देख के चूज़ करें कि आपके बालों के लिए कौन सा सूटेबल है, और डेली रूटीन में अगर यूज़ करना है तो उसके लिए अलग से शैम्पू आ रहे होते हैं। और मेकअप तो साथ साथ आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझ पे बड़ा प्रेशर होता है इस चीज़ का भी, जी साथ हमें हेयर के हवाले से भी कुछ बताया करें, स्किन के हवाले से भी बताया करें। तो अब मैं वीडियो भी बनाई, वीडियो मैंने 2 दिन पहले इनकी बनाई थी, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं फ्री हुई थी। और फिर मेरे पे ये भी प्रेशर था कि जी लोग कहेंगे कि आपने हमें वो जवाब नहीं दिया हमारे, उसका हेयर के हवाले से हमें कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ बताऊँ। अच्छा ये देखिए, मैंने क्योंकि काफ़ी वो जो लोग मुझे कह रहे थे कि सिल्वर के साथ आप स्मोकी करेंगी, तो वो आपने हमसे ज़रूर शेयर करनी है वीडियो। तो हम लोगों ने इनके ब्लैक कॉर्नर्स बनाए हैं। ब्लैक कॉर्नर किस तरीके से बनाए हैं, मैंने जेल लाइनर लिया है, क्योंकि जेल लाइनर का मज़ा ये होता है कि वो फैलता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। तो अदरवाइज़ हम लोग केक लाइनर भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो जेल लाइनर से मैंने इनके कॉर्नर्स बनाए हैं, उनको ब्राउन के साथ कलर के साथ ब्लेंड किया है। और ये देखें नीचे भी हम लोग आंखों में मैंने काजल लगा लिया है पहले इनके, और उसके बाद अब नीचे वाली लाइन पे हम लोग ब्राउन के साथ ब्लेंडिंग कर रहे हैं। आंखें इनकी पहले ही मोटी मोटी हैं माशाल्लाह से, और प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत आंखें हैं मेरी मॉडल की। और ऊपर से फिर इन्होंने लगा ली है लेंसेज, तो उसमें और अच्छी लग रही थी। अलबत्ता ये है कि लेंसेज लगा के आईज़ जो हैं और ब्रॉड लगती हैं और खुली हुई लगती हैं। इनका पहले मैंने मेकअप किया था तब भी मुझे बड़ा मज़ा आया था, आज जब हम लोगों ने ये वाला मेकअप किया उसमें भी मज़ा आया। और आप देखिएगा मेरी पिछली वीडियोस में, इनकी वीडियो है, ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, तो दोनों लुक्स जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज के लुक में भी बड़ा मज़े की एक लुक आई है और डिफरेंट लुक आई है, और जब मैंने इनका ब्राइडल एक लुक दी थी, क्रिएट की थी, उसमें भी बड़ा मज़ा आया था, और वो भी चेंज लुक है। अच्छा सिल्वर शेड्स आपको पता है सबके पास होते हैं, और सिल्वर और गोल्डन ही एक ऐसे शेड्स हैं जो हर बंदे के पास होते हैं और काफ़ी फॉर्म्स में होते हैं। अब आप चाहें तो सिल्वर लिक्विड फॉर्म में ले लें, उसमें केक फॉर्म में ले लें, या आई शेडो किट में तो आपको पता है होता ही है सिल्वर शेड, ठीक है। तो कोई भी ब्राइट सा सिल्वर जो है वो आप इनर कॉर्नर पे लगाएंगे और पूरी आंख को उससे कवर करेंगे। आप देखें कितना एरिया मैंने लगाया है। और अच्छा मैंने ब्रॉ बोन जो है उस पर भी सिल्वर लगाया है, लेकिन मैंने उसको बहुत लाइट रखा है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो आई बॉल के ऊपर वाला एरिया है वो ज़रा ज़्यादा पॉपअप हो, ज़्यादा खुल के सामने आए, तो इसलिए मैंने कहा कि और ज़रा ब्रॉ बोन की शाइन को हम ज़रा कम रखते हैं। कॉन्टोरिंग बहुत लाइट करनी है जी, मैंने इनकी नोज़ भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी शेप में है, तो बस लाइट सा हम कॉन्टोर करेंगे। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, उन्होंने अगर मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें।
एक और बात जो मैं देखती हूँ कि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं ये भी और उसके अलावा भी हमारा जो काम है, मैंने एक बात नोट की है, अक्सर लोगों की, सबकी नहीं कह रही हूँ, अक्सर लोगों की टेंडेंसी होती है नेगेटिव अप्रोच उनकी मैंने देखी है कि वो अप्रिशिएट आपको कभी भी नहीं करेंगे। मतलब कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने इतने सालों में मुझे अभी तक किसी एक बात पर अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है, लेकिन डिस्करेज करना या कोई नेगेटिव कॉमेंट करना, रिमार्क देना, उस टाइम वो इतने एक्टिव हो जाते हैं। और पता नहीं क्यों, मतलब हम लोग ये देखते हैं कुछ लोग के नेगेटिव काम हमारे लिए, नेगेटिव सोच, नेगेटिव कमेंट करना इतना इजी होता है, और कोई अच्छा कमेंट करना या किसी को एनकरेज करना या पॉजिटिव अप्रोच जो है वो इतनी मुश्किल क्यों है। मुझे आज वीडियो में, चले मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे इसका जवाब ज़रूर सोच के दीजिएगा। ये बात सबके लिए नहीं मैं कह रही हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं और सब पे अल्लाह ताला का खास करम और फ़ज़ल है। ये अल्लाह का करम और फ़ज़ल होता है कि जब हमारी कुछ पॉजिटिव हो जाती है और हम हर चीज़ में कुछ अच्छा ढूंढते हैं, तो तनकीद करना भी ज़रूरी होता है, इससे अगला बंदा इम्प्रूव करता है, लेकिन तनकीद भी बड़े पॉजिटिव वे में की जा सकती है। अलबत्ता कुछ लोग हैं जो आई थिंक पैदा ही इसलिए होते हैं कि उन्होंने सिर्फ तनकीद करनी है या हर एक बंदे में खामी ढूंढनी होती है, उन्होंने अप्रिशिएट कभी भी नहीं करना। हाँ, कुछ लोग ऐसे, चले ठीक है, एक बंदा है अगर आपको हर बात पे अप्रिशिएट करता है तो आपकी खामियां निकाल लेना तो भी आपको इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन एक बंदा है वो आपको अप्रिशिएट ही नहीं कभी भी करता, लेकिन खामी का या कीड़े निकालने वाला कोई मौका जाने नहीं देता, ऐसे लोगों को क्या आप कहेंगे या क्या कहना चाहेंगे, मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, मुझे बड़ा प्राउड है आप सब पे कि आप मुझे अच्छे कॉमेंट्स कर रहे होते हैं। बस कुछ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अलग से मैं ज़िंदगी में कुछ जानती हूँ, मैं मतलब YouTube के व्यूअर्स को ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सलोन में कुछ बहुत से ऐसे लोग आते जाते हैं हमारे जो इस तरह की कभी कभी कोई बात करते हैं और बड़ा बंदा हर्ट होता है कि यार ये देखो अप्रिशिएट कभी भी नहीं ये करती हैं और डिस्करेज करने का कोई मौका आपसे जाने नहीं देती है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आज का मेकअप हमेशा, जैसे मैं अपनी वीडियोस में कर रही होती हूँ, इजी वे में मेकअप कर रही होती हूँ ताकि जो लोग नए आ रहे हैं और उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, उनको भी एक दो दफ़ा में देखने के बाद वीडियो में समझ आ जाए। और बाकी ये पता है क्या, आपका एक स्किल है ना, स्किल एक दफ़ा देखने से या एक दफ़ा करने से नहीं आता, आप ये वीडियो बार बार देखें, एक दफ़ा देखें, दो दफ़ा देखें, तीन दफ़ा देखें, बार बार देखें कि आपके जहन में ये बैठ जाए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें, दो दफ़ा करेंगे, तीन दफ़ा करेंगे, फिर आस्ते आस्ते इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो बाकी मेरी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने लेके आऊँ और आपको कोई चीज़ मुश्किल ना लगे। अब आपने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देने हैं क्योंकि मैंने आपकी खातिर ये वीडियो बनाई है, आप सबकी डिमांड पे बनाई है। कब से कह रहे थे कि जी ब्लैक स्मोकी हमें बताएं जो ग्रे के साथ हो, और वाकई ये कॉम्बिनेशन अक्सर मैंने लोगों को पहने हुए देखा है, तो लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ हों और वो इस तरह का मेकअप ख़ुद भी कर सके। और जैसे कि मैं आपको कह रही थी, अभी हम लोग बात कर रहे थे हेयर सप्लीमेंट्स की, इसी तरह स्किन के लिए भी सप्लीमेंट्स हैं, बल्कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो स्किन हेयर दोनों चीज़ों के लिए हैं। तो आप ये नहीं देखा करें जी मैं डाइट बहुत अच्छी ले रही हूँ, मैं तो वेजिटेबल भी खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ, तो अब मेरी स्किन और हेयर क्यों नहीं अच्छे हो रहे, ठीक है, आप उन पर डिपेंड नहीं करें। इवन देन इफ़ यू आर टेकिंग योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको तब भी जो है वो आपको ये लेना है, सप्लीमेंट्स वगैरह लेने हैं। और जब भी मैं स्मोकी आई मेकअप करती हूँ तो लिपस्टिक मैं हमेशा न्यूड में लेके जाती हूँ, सॉफ्ट किस्म की लिपस्टिक मैं करती हूँ, तो मैंने इन्हें सॉफ्ट लिपस्टिक लगाई। अलबत्ता ये है कि वीडियो के बाद इन्होंने जी अपनी लिपस्टिक चेंज कर दी और ये कुछ मजेंटा किस्म के शेड में चली गई कि मुझे डार्क शेड चाहिए, तो हमने कुछ उसमें भी पिक्चर इनकी बना ली। और ये देखें लैशेज भी इनको काफ़ी हैवी किस्म की चाहिए थी, आजकल ट्रेंड में है तो लैशेज इनको हमने हैवी किस्म की लगाई हैं। और उम्मीद है आज का मेकअप जो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे जी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।
और कमेंट करना आपने नहीं भूलना, और मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट नहीं करना, बल्कि आपने मेरी यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आपने मुझे कमेंट करना है। ये देखिए इनकी फाइनल लुक।